गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आर्टिकल देखो क्या कर रहे हैं हम. द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द कर्व ऑफ इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी. डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली हमें कर्व्स की, लेकिन किन के लिए? इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी. लेट द फ्लूइड बी हेट्रोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मीन्स जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. एंड सपोज डेंसिटी बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड फ्लूइड इज एट रेस्ट. डेंसिटी हमने अज्यूम किया वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है. सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर गिवन बाय. इक्वल प्रेशर है अगर सरफेस का तो वो क्या है, मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अभी हमने ऊपर आर्टिकल किया था, ये पी कॉन्स्टेंट है तो डी पी क्या हो गया हमारा, जीरो. और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर डी पी हमारी क्या होती है, रो इन टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो. Surfaces of equal pressure are given by surface of equal density are given by क्या था हमारे पास, rho is equal to constant. rho constant means d rho क्या हो गया, zero. d rho zero होने का मतलब total derivative of rho is zero and rho is a function of x y z. so curly rho by curly x dx plus curly rho by curly y dy plus curly rho by curly z dz is equal to zero. now solving equation one and two, one and two को solve करें अगर हम तो क्या आ जाएगा, dx upon y करली रो बाई करली वाई. आप कर सकते हो ना इसको सोल्व, आपको ये आता होगा मेथड. ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ यूजिंग द इक्वेशन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है, ये z करली रो करली y माइनस y करली रो करली z. दिस इज इक्वल टू रो इनटू करली y बाई करली z माइनस करली z बाई करली y. ये हमने किया था ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने निकाली थी उसमें था ये आपका. तीनों इक्वेशंस हमने लिखी है, उस आर्टिकल को रेफर किया हुआ है यहाँ. नाउ इक्वालिटी थ्री, थर्ड इक्वालिटी दिस रिड्यूसेस टू. अब जस्ट हमने इनकी वैल्यूज लिख दी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो इनटू दिस टर्म. और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड डेंसिटी आर, इसको अगर हम सोल्व करें तो रो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू आउट नॉन जीरो टर्म है, कैंसिल कर सकते हो आप. तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, कर्व्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी. इक्वी प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी का ये हो गया. अब न्यूमेरिकल्स जो इन पे बेस्ड हैं इनमें यही रिजल्ट्स यूज होंगे. आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की क्या इक्वेशन है, सरफेस लाइंस ऑफ फोर्स की क्या इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, सरफेस इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, सारा आपको पता होना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ फोर्स पर यूनिट मास at point x y z parallel to axes are this and this. axes के parallel means x axis के parallel, y axis के और z axis के parallel respectively ये हमें force के components दे रखे हैं. the surface of equal pressure are hyperbolic parabolas and the curves of equal pressure and densities are rectangular hyperbola. ये हमें prove करने हैं कि surface of equal pressure जो है वो hyperbolic parabola होंगे और curves of equal pressure and density जो हैं वो हमारे rectangular hyperbola होंगे. means force के components दे रखे हैं आपको x y and z. तो इसमें हमें सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें सेटिस्फाई करवानी है. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी तभी आप कहोगे फ्लूइड जो है वो आपका रेस्ट पे है. ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पता है कि क्या कंडीशन है. अब इसके लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, जो ये एक्स है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड और जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. ये कंडीशन में जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है, वो जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए. तो इसका मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो फ्लूइड जो है वो आपका रेस्ट पे है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, एक तो हमें निकालना है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर. और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की क्या इक्वेशन है हमारी, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स डी पी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, डी पी इज इक्वल जीरो तो मीन्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो. ठीक, अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता है, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की वो वैल्यूज पुट करनी है आपने. इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई इंटू ए माइनस जेड से इसको डिवाइड किया, सोल्व किया. सोल्व करना है आपने इसको इंटीग्रेट करके, आपने सरफेस की इक्वेशन निकालनी है. सरफेस की इक्वेशन मीन्स एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको. तो ये आ गई, दिस इज द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर. ठीक है, जो भी इक्वेशन आई
अब आप उसको बता सकते हो ये आपकी जो इक्वेशन है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। अब हमें क्या और क्या निकालना है, इसमें हमें कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो भी हमने लास्ट ईयर आर्टिकल किया था, ये dx upon this is equal to dy upon this is equal to dz upon this, ये सारे जो डिनोमिनेटर्स में जो भी जो टर्म्स चाहिए हमें वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने, इनको सॉल्व करना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आप सॉल्व कर सकते हो इसको, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके आपके पास क्या आया, कर्व्स ऑफ इक्वी प्रेशर एंड इक्वी डेंसिटी आर गिवन बाय z इज इक्वल टू k एंड एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। ठीक है, यहाँ से जब आप x और y में आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, log x इज इक्वल टू log y प्लस सम कॉन्स्टेंट और dz इज इक्वल टू जीरो, से यहाँ से क्या आ गया z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अ लिक्विड ऑफ गिवन वॉल्यूम v इज एट रेस्ट अंडर फोर्सेज, दिस फ्लूड जो है वो आपको दे रखा है रेस्ट पे है अंडर दिस फोर्सेज, फाइंड द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड द सर्फेसिस ऑफ इक्वल प्रेशर। अब आपको इसमें तो दे ही दिया कि जो आपका फोर्स है, हाँ सॉरी, जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, तो इसमें आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं मेंशन किया हुआ है ये कि आपका ये रेस्ट पे, तो आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फ्लूइड इज एट रेस्ट अंडर द फोर्सेस, फोर्सेस आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड प्रेशर निकालना है और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालना है, दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रेशर यूज करेंगे, डी पी इज इक्वल टू रो इन टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, वैल्यू रखनी है आपने डेरिवेटिव ऑफ पी की वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन हमें प्रेशर निकालना है, तो जस्ट उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहे हैं, और इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन जो आप बोलते हो हम यूज कर रहे हैं कि फ्री सर्फेस पे प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, जीरो। तो ये कंडीशन लगा के हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू या ये म्यू रो अपॉन दिस, तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया टू सी अपॉन म्यू रो इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हमारे पास सर्फेस आ गया, ये सर्फेस दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड, मीन्स एक्स स्क्वायर बाई जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। नाउ वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 pi, तो जो ये हमारा फोर क्या होता है 4/3 pi ए बी सी, यहाँ हमारा ए क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है ना इन जनरल, तो ये हमारा ए क्या है अंडर रूट 2a² c/μ, ऐसे ही हमारा बी क्या है इसमें 2b² c/μ अंडर रूट, और सी क्या है 2c² c/μ अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका वॉल्यूम आ गया। नाउ प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज प्रेशर पी, ये देखो हमारा ये मीन्स यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है ये वॉल्यूम वाली कंडीशन अप्लाई करके, तो ये जो सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है ये आपने जस्ट उस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये आपके पास क्या आ गया प्रेशर एट एनी पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना था। सेकेंडली इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर ऑफ इक्वल सॉरी सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालना है आपको, और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर इज गिवन बाय प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मीन्स डी पी क्या हो गया जीरो, और डी पी इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करनी है आपने इसको जस्ट इंटीग्रेट करने, इंटीग्रेट करके आपके पास इक्वेशन आ गई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट कंसेंट्रिक इलिप्सॉइड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, तो मीन्स जो भी सरफेस आएगा आपको सॉल्व करके, ये आपको आपको ये नहीं पता है ये किसकी इक्वेशन है, तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिख सकते हो दिस इज द सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर।